गोंडा में मंगलवार की देर रात वजीरगंज थाना क्षेत्र के ठठेरपुर गांव में एक मकान में एक के बाद एक हुए तीन गैस सिलेंडर ब्लास्ट से ही एक परिवार के 8 लोगों की जान गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में नूरुल हसन के परिवार के उनके 2 बेटे, बहू के अलावा एक बेटी और एक बेटे का बेटा शामिल है। देर रात हुए हादसे के बाद जहां 7 लोगों की बॉडी मलबे से बरामद हुई, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। वहीं इसके साथ ही एक बॉडी जिसका नाम शहबाज अहमद था, सुबह मलबे से बरामद हुई। ठठेरपुर गांव में रात 10:30 बजे हादसा तब हुआ जब घर के लोग खाना खा रहे थे। इसी बीच सिलेंडर में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। एक एक करके घर में रखे 3 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। हालांकि सूत्रों का मानना है कि ये नूरुल हसन के पिता पटाखे के पुराने कारोबारी थे, जिनके पास उसका लाइसेंस भी था, लेकिन हादसे के वक्त विस्फोटक सामग्री घर पर थी या नहीं, इस पूरे मामले की जांच पुलिस की VTS टीम करने में जुट गई है। हादसे में हुए ब्लास्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के 5 किलोमीटर में धमाके की गूंज सुनने को मिली, जबकि नूरुल हसन के जिस मकान में ब्लास्ट हुआ उसका मलबा चारों ओर फैल गया। इतना ही नहीं, नूरुल हसन के बगल बने उसके भाई के मकान में भी दरारें आ गई हैं, छत का एक हिस्सा ढह गया। डायल 112 पर मिली सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जबकि IG राकेश सिंह और SP संतोष मिश्रा भी घटना पर पहुंचे। आपने कुछ रजीगंज थाना से ब्लास्ट में घायल आए हैं, क्या मामला है और कितने लोग हैं? एक गैस सिलेंडर फटने का मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक परिवार के 7 लोग यहाँ पर भर्ती किए गए हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर है और एक पुरुष है 45-50 साल का। क्या कोई महिला भी है? हाँ, महिला है। अच्छा, किसी की मृत्यु भी हुई है? मृत जो 2 बच्चे लाए गए थे मृत अवस्था में और एक पुरुष। कहाँ से आए, क्या मामला है? मेरा नाम इरफान अली है, मैं टिकरी ग्राम सभा से वजीरगंज थाना क्षेत्र से हूँ। वहाँ रात 9:30 बजे गैस का बाटला फट जाने से कई लोग घायल हो गए, जिसमें 6-7 लोगों की मौत हो गई और हम लोग वहाँ से घायलों को लेकर जिला अस्पताल गोंडा के लिए आए थे। ये कौन कौन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? ये मेरे चाचा के बच्चे हैं और जो बड़े हैं और जिनका वो डेथ हो गया वो मेरे दादा के लड़के थे, मेरे चाचा थे। ये कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बच्चों और संज्ञान मिला के हॉस्पिटल में 7 लोग एडमिट हैं। मसा नहीं बनता था, वो रात को लोग हम लोग सो गए थे, लेट गए थे खाना वाना खा के और चाची गई थी बनाने खाना, शायद उसी समय की। अच्छा, गिरे हैं किसी की घर? 2 घर गिरे हैं इस घटना में। अच्छा, ये 2 मंजिल मकान थी। क्या नाम है तुम्हारा? शमशाद अहमद और निशान, चाची का नाम पता नहीं है और बच्चे हैं नूरी सभा, सोयब, शहबाज अहमद। घटना हुई है, आप भी मौके पर पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहां पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है, IG महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पर चल गया है। पूरी टीम हमारी प्रशासन पुलिस की यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, अन्य भी टीमों को बुला लिया गया है और बाकी जितना भी राहत कार्य है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलेगा। सिर्फ दुर्घटना का कारण क्या है? जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों, फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है, बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो उसमें हम लोग लगे हुए हैं।